हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, लर्न वेल स्पीक वेल, मतलब अच्छी तरह सीखो और अच्छी तरह बोलो। और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंग्लिश में जो होते हैं वो आगे आप देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, तुम आ सकते थे, तो एक संभावना है, तो तुम आ सकते थे। दूसरा सेंटेंस है, वह मुझे बुला सकती थी। तीसरा सेंटेंस है, तुम वीडियो चला सकते थे। और चौथा सेंटेंस है, हम लोग उन्हें आमंत्रित कर सकते थे। तो आगे देखिए इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं। तो दोस्तों, तुम आ सकते थे, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यू कुड हैव कम, तो तुम आ सकते थे। जब आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू कुड हैव कम। दूसरा सेंटेंस, वह मुझे बुला सकती थी। तो इसी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं शी कुड हैव कॉल्ड मी, शी कुड हैव कॉल्ड मी। और तीसरा सेंटेंस है, तुम वीडियो चला सकते थे। तो चलाना को, कोई मशीन होती है उसको चलाने को हम प्ले कहते हैं, या रन भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह है, तुम वीडियो चला सकते थे, तो इसको हम कहते हैं यू कुड हैव प्लेड द वीडियो, You could have played the video। उसके बाद है, हम लोग उन्हें आमंत्रित कर सकते थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे We could have invited them, We could have invited them। तो इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।